प्रताप महाजगबंधन। तेज प्रताप, बोले तेज किसका प्रताप है? बोले तेज प्रताप क्या है? बोले हनुमान जी का। हनुमान जी से पूछो किसका प्रताप है, तो हनुमान जी कहते हैं हमारा कहीं पर भी प्रताप नहीं। हनुमान जी कहते सो साब तब प्रताप रघुराई, सो साब तब प्रताप रघुराई, रघुराई सो साब तब प्रताप राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जो भी प्रताप है हनुमान जी अपने जीवन में अपने ऊपर नहीं रखते, जो भी काम करते, जो भी काम सफल हो जाता, हनुमान जी किसके लिए कहते? बोलिए राम जी के लिए। मानो तुम लोगों के लिए एक शिक्षा है, जिंदगी में कोई भी काम तुम्हारा होवे, कोई भी काम सफल होवे, उसका भार अपने ऊपर मत लेना वरना अभिमान आ जाएगा। उसका भार अपने माता पिता गुरु के ऊपर छोड़ देना, आप जिंदगी में हमेशा बढ़ते रहेंगे। इसलिए सो सब तब प्रताप रघुराई। हनुमान जी निराभिमानी है। क्या है हनुमान जी? निराभिमानी। निराभिमानी कहाँ है हनुमान जी? अरे जब लंका से जानकी जी की खबर लेकर के श्री हनुमान जी महाराज पधारे, तब चार पांसे राम जी ने फेंके हनुमान जी को फंसाने के लिए। अब सुनिए महाराज जी, जैसे ही हनुमान जी वापस आए तो हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा कि जानकी जी की खबर कौन लाया है? तो जामवंत जी बोले हनुमान जी। आहा, हनुमान जी जानकी जी की खबर लेकर आ गए, इतना बड़ा काम करके आए, लेकिन सबसे पाछे बैठे, पीछे। और हम लोग छोटा सा भी काम कर दें तो मीडिया के सामने देखे नहीं सुहाद है, हमारी लो फोटो, हमने यहाँ काम कर। हाँ, और फोटो ना खींचे मो मगोरा से भूल जा, जैसे मंगोड़ी हो ना, फोटो ना खींचे। अगर कोई थोड़ा सा काम कर दे उसकी फोटो ना खींचे, काऊ और को नाम लग जाए, दिमाग खराब हो जा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो जिंदगी में विचित्र स्थिति है, लेकिन धन है श्री हनुमान जी निराभिमानी। आहा हा हा, पहला पासा फेंका हनुमान जी ने, हनुमान जी के ऊपर राम जी ने। हनुमान जी आप लंका गए थे, बताओ आप बड़ा काम करके आए। हनुमान जी हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोले सरकार हम नहीं सो सब तब प्रताप रघुराई, आपका प्रताप जो हम लंका गए। राम जी बोले क्षमा भैया, बुरा मत मानना हनुमान जी, गए तो आप ही हो, कहो जरूर, पर समुद्र तो पार तुमने किया। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले हमने नहीं करो। फिर बोले सरकार जो आपने मुद्रिका दी थी राम नाम अंकित अति सुंदर, उसी मुद्रिका पर बैठ करके हम समुद्र पार भए हैं। निराभ मानता। तो राम जी बोले बात तो ठीक है। हनुमान जी बोले अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बोले बात तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी जो मान लिया हमने कि चलो तुम मुद्रिका पर बैठकर लंका पार गए थे, लेकिन लंका तो तुमने जलाई, ये काम तो तुम्हारा है, इसमें तो तुम्हारा प्रताप है। हनुमान जी बोले फिर गड़बड़। बोले काहे? बोले लंका हमने नहीं जलाई। बोले फिर किसने जलाई? बोले जलवाई जिसने वो जाने। बोले मतलब? हनुमान जी बोले सरकार हम तो तरुपल्लो मह रहा लुकाई करूं विचार करूं का भाई, हम तो अशोक बाटका में छिपे हुए बैठे थे, लेकिन तब तक आपने ही शायद हमारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया गया होगा, आपने ही त्रिजटा के द्वारा बुलवा दिया, सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी। हम समझ गए कि हमारा मोबाइल आउट ऑफ रेंज में है, तो दूसरे पर कॉल लग गई है, हम समझ गए ये और काम करना है। तो बोले हमने थोड़ी जलाई लंका, अब जिसने सपना दिया वो जाने, हम तो बढ़िया वृक्ष में बैठे थे, तब तक वो त्रिजटा बोली थी यह सपना में, कहां पुकारी हुई यही सत्य, सत्य होगा ये मुझे विश्वास है।
हनुमान जी बोले सरकार हमने पूरी लंका में फिर भ्रमण करो, कहूं ऐसा ना हो कॉल काऊ और की हो अटेंड हम कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा बानर हो और लंका में आ गई हम छुपा दें। तो इसलिए सरकार हमने दोबारा भ्रमण किया पर कहीं बंदर नहीं मिला, दस्कंदर जरूर मिला पर बंदर नहीं मिला, दस्कंदर मिला बंदर नहीं मिला। हनुमान जी बोले हम समझ गए मैसेज हमारे लिए ही है, सरकार कहना चाहते कि आना तो पर आग छुपा करके आना। तो जितने बानर थे सब ताली बजाने लगे, क्या बात, ये देखो निराभ मानता। तो बोले सरकार ये भी हमारा प्रताप नहीं। राम जी बोले भैया देखो बुरा मत मानना हनुमान जी, हमने मान लिया सपना हमने दिया लेकिन लगाई तो आग तुमने। हनुमान जी बोले हमने नहीं, फिर बोले पूंछ ने। तो राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। बोले फिर गड़बड़ सरकार। बोले क्यों? बोले आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूंछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। बोले इसमें भी हमारी पूंछ नहीं, आप ही की पूंछ है, हम तो बंदर हैं, कपि चंचल सब ही विधहीना, हम तो कपि हैं, हमें कौन पूछता, आपका नाम लिया तो हमारी लंका में भी पूंछ हो गई। पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा, जैसे कहते ना हम लोग गांव में इनकी पूंछ तो एतन से उतन लो है, तो कहे पूंछ थोड़ी है, हम लोग कहते ना इनकी तो दिल्ली तक पूंछ है। घर के बाहर कोई बूढ़ा आदमी बैठा हो तो उनसे कहो कि भाई क्या बात है, तो कहते हैं हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। हाँ, अब कुछ पूंछ ही नहीं बची, पहले पूंछ थी अब नहीं बची। तो कहे कोई पूंछ होती है का? नहीं, पूंछ का मतलब है प्रतिष्ठा, यही हनुमान जी बताना चाहते। बोले सरकार हमारी प्रतिष्ठा तो आपके कारण है, तो आग हमने नहीं लगाई पूंछ ने लगाई, और पूंछ आपकी है तो आप ही ने लंका जलाई। अब देखो कितना बढ़िया जवाब हनुमान जी ने दिया। लेकिन राम जी बोले नहीं 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 नहीं, पूंछ ठीक है हमारी है लेकिन लंका घर घर तो तुम गए, उलट पलट लंका सब जा। हनुमान जी बोले वो भी हमने नहीं जलाई। बोले किसने? पांच लोगों ने लंका जलाई। हनुमान जी बोले, राम जी बोले पांच लोगों के नाम बताओ। बोले सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। पांच लोगों ने लंका को जलाया, सीता के संताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने, आपके प्रताप ने, और हमारे बाप ने लंका को जलाया। राम जी बोले चार तो समझ में आ गए, सो सौ तो प्रताप भी समझ में आ गया, लेकिन जी तुम्हारे बाप माय डियर फादर कहां से प्रकट हो गए? हनुमान जी बोले क्षमा करना सरकार, हम जब लंका में आग लगाने गए, जब हमने पूंछ से आग छुपा दी तो हमने तो एक ही घर बारो, तो हमारे पिताजी ने घर घर बारो। राम जी बोले मतलब? बोले जैसे ही हमने एक घर में आग लगाई तो आप सुंदरकांड में दोहा पढ़ना, चले मरुत उनचास अट्टहास करी गर्जा कप बड़ लाग आकाश, उनचास प्रकार की पवन, पवन यानी हवा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी के पिताजी पवन हैं, पवन देव उनचास प्रकार के चले और लंका जल गई। बोले जी हमारे बाप हैं। तो हनुमान जी बोले देखो सरकार इसमें भी हमारा कोई प्रताप नहीं। राम जी बोले ठीक है भैया मान लिया हमने, तुमने लंका नहीं जलाई, कॉन्सेप्ट ही बंद कर दो, ठीक है यहां तक हमारा प्रताप है, लेकिन हनुमान जी लंका से वापस तो तुम अपने बल पर आ गए, अतुलित बल धामम हैं राम दूते अतुलित बल धामा, यहां तो तुम अपने बल पर वापस आ गए, अब तो तुम्हारा बल है कि नहीं? सोई आंखों में आंसू हनुमान जी के आ गए। बोले सरकार यहां राम जी फंसाना चाहते थे, शायद फंस जाएं, अभिमान आ जाए, लेकिन धन है हनुमान जी जैसा निराभिमानी देवता, आंखों में आंसू आ गए। बोले सरकार ठीक ध्यान करवा दिया, गए थे मुद्रिका पर लेकिन जब वापस आने लगे तो माता जानकी जी ने पूछा कि निराज क्यों हो? बोले हमने माँ से कहा माँ हमें टेंशन है, आ तो मुद्रिका पर गए थे पर जाएंगे कैसे? तो बोले चूड़ा मणि उतार तब दयाउ, जानकी माता ने चूड़ा मणि दिए, उन पर बैठ कर आ गए। इसीलिए हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं तेज प्रताप महा जगवंत, तेज प्रताप।
जय प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुमन के श्री नंदन, हनुमान जी जैसा निराभ मानी देवतानी तो गोस्वामी जी लिखते तेज प्रताप, क्या लिखा महाजगवंदन। अब यहां पर महा का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में, और महा का प्रयोग इसीलिए किया महादेव ही महावीर हनुमान जी बनकर आए, इसलिए तेज प्रताप महाजग बंदन हनुमान जी है, पूरे जगत में इनका बंदन है। और बंदन हो भी क्यों ना, जिनके हृदय में राम हो, राम के लिए जिनके हृदय में अभिनंदन हो, उसका जगत में चारों युगों में बंदन हो। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, बुरा मत मानना, आप लोग सब विद्वान श्रोता हो, हम तो गांव के गवार मूर्ख आदमी हैं, पर एक बात हम करोड़ों की बता दें, इस दुनिया में जिंदगी में आपको बहुत बड़ा बनना है ना, बहुत आगे जाना है, सफल होना है, तो आप छपना बंद करो, छिपना प्रारंभ कर दो। हाँ, आप कहोगे महाराज जी उल्टी उल्टी बातें बता रहे, खुद तो छप रहे हमें छिपवा रहे, तर्क है वो तो कैसा भी हो सकता है। आप लोग ये भी कहोगे, क्षमा कीजिएगा, कामयाबी का शोर इतना तेज मचाओ कि आप पीछे जाकर बैठ जाओ, लोग माइक से नाम लें कि अमुक व्यक्ति आया था, ये कहाँ गया, और लें तो जिनको पता भी नहीं होगा वो भी जान जाएंगे कि ये आए हैं, ये छिपने का करिश्मा है।